स्टूडेंट्स हाउ आर यू होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल दिस इज़ आर बायोलॉजी क्लास एंड इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट मोड ऑफ एक्सक्रीशन बेसिकली इन द प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी डिस्कसड अबाउट ऑल दिज टाइप्स दैट विच ऑर्गेनिज्म रिलीज अमोनिया विच रिलीज यूरिया एंड यूरिक एसिड लेकिन इस क्लास में जो हमने बेसिकली बेटा करना है इसको हमने डिटेल से स्टडी करना है तब मैंने आपको ओवरव्यू दिया था अब हम इसको डिटेल से स्टडी कर रहे हैं the process of excreting ammonia is called as ammonotelism. अब हम मोड फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जो कि है है? अब ammonotelism होता क्या द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज एज अमोनोटेलिज्म द अमोनिया अमोनियोटेलिक पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमोनोटेलिज्म क्या है और अमोनियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं डिफरेंस बताएं तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए मैनी बोनी फिश लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको बताया है कि अमोनियो को रिलीज़ करने के लिए अलॉट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है तो इसका मतलब है वो वाली एनिमल्स इसके अंदर आएंगे जिनके पास बहुत ज़्यादा वाटर होता है टिक सारे एनिमल जो है इसके अंदर आ जाएंगे जो अमोनिया को रिलीज करेंगे बेसिकली जो अमोनिया होता है वो विलिंगली जो है वो सॉलीबल होता है इस वजह से ऑर्गेनिज्म जो है वो इसको रिलीज कर सकता है बाय देयर गिल्स और बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन कि जैसे कि फिशेज हैं तो उनके पास गिल्स हैं वो अमोनिया को रिलीज कर सकती हैं विद द हेल्प ऑफ गिल्स और डिफ्यूजन के थ्रू भी ये रिलीज हो सकता है नेक्स्ट हम देखते हैं जी सेकेंड मोड क्या है सेकेंड मोड है बेटा यूरियोटेलिज्म द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग यूरिया इज कार्ड एज यूरियोटेलिज्म एनिमल्स विच एक्सक्रीट यूरिया आर कार्ड एज यूरियोटेलिक नाउ मैं यहीं पर आपको क्वेश्चन बता देती हूँ राइट द डिफरेंस बिटवीन द यूरियोटेलिज्म एंड यूरिकोटेलिज्म सॉरी यूरियोटेलिज्म तो आपको पता यूरियोटेलिज्म एंड यूरियोटेलिक ये डिफरेंस बनता है ठीक है जी अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाई मेटाबोलिज्म इज़ कन्वर्टेड इं टू यूरिया इन टू द लिवर बाई दीज एनिमल्स एंड रिलीज इं टू ब्लड अच्छा जब भी यूरिया अमोनिया जो है वो बॉडी में प्रोड्यूस होता है या वो फिर इसको रिलीज़ करने के लिए आपको बस इतना पता होना चाहिए कि बॉडी के अंदर कोई भी वेस्ट मटीरियल बनता है वो विद द हेल्प ऑफ किडनी बनता है और इसको जो है वो फिर बॉडी से रिमूव करवाया जाता है अब ये यूरियोटेलिज़म है बेटा इनको यूरिया को जो है वो रिमूव करने के लिए जो है वो बहुत कम वाटर रिक्वायर्ड होता है बहुत कम भी नहीं लेकिन मॉडरेट अमोनिया से कम वाटर रिक्वायर्ड होता है ये सेकेंड मोड है इसके अंदर मैमल्स आ जाते हैं मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस आ जाती हैं जो कि किसको रिलीज करते यूरिया को रिलीज करती हैं विद द हेल्प ऑफ लिटल वाटर बहुत कम वाटर के साथ जो है वो इसको रिलीज करती हैं नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा थर्ड जो इसका मोड है वो है यूरिकोटेलिज्म अब यूरिकोटेलिज्म क्या है वो तमाम तर ऑर्गेनिज्म जो यूरिक एसिड को रिलीज करेंगे उनको हम कहेंगे यूरिकोटेलिक और प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग यूरिक एसिड इज कार्ल एज डिफरेंस याद रखिएगा यूरिकोटेलिक एंड यूरिकोटेलिज्म यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और द पेस्ट विद मिनिमम लॉस ऑफ वाटर याद रखिएगा बेटा कि जो अमोनिया है वो रिलीज़ होता है उसके लिए अलॉट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया है कि 500 हंड्रेड मिली लीटर वाटर रिक्वायर्ड होता है वन ग्राम ऑफ अमोनिया को रिलीज करने के लिए सेम एज फिफ्टी मिली लीटर ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है वन ग्राम ऑफ यूरिया को रिलीज करने के लिए और वन ग्राम ऑफ वाटर वन मिली लीटर ऑफ वाटर जो है वो रिक्वायर्ड होता है वन ग्राम ऑफ यूरिक एसिड को रिलीज करने के लिए तो आपको पता होना चाहिए कि यूरिक एसिड एक ऐसा एक्सक्रीटरी मिटीरियल है जिसको बॉडी से रिलीज करने के लिए बहुत कम वाटर रिक्वायर्ड होता है अब बहुत कम वाटर रिक्वायर्ड होता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये कंसनट्रेटेड एक्सक्रीटरी मटीरियल होगा जैसे अमोनिया है ना वो डायल्यूट किस्म का होगा फिर जो क्या था यूरिया था वो लिटल डाइल्यूट होगा और जो यूरिक एसिड है ये पेस्ट टाइप होगा हम इसे ये भी कह सकते हैं ये कंसनट्रेटेड होगा लाइक like, आप लोगों ने देखा होगा कि रेप्टाइल्स टाइल्स का एक्सप्रिटिव मटेरियल आप लोगों ने मोस्टली ऑब्जर्व किया होगा बर्ड्स का स्नेल्स का इंसेक्ट्स का तो ये क्या होता है एक पेस्ट रूमा होता है ये इसके अंदर इसके साथ जो है वो मिनिमम लॉस ऑफ वाटर होता है अलॉट ऑफ वाटर इसके साथ नहीं जो है वो रिमूव होता अच्छा ये जो तीन पॉइंट्स बेटे मैंने आपको बताए अमोनिया यूरिया और येकेसेज ये, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे और ये हमारा बहुत शॉर्ट सा टॉपिक था हमारे चैप्टर का क्योंकि हमने जो है वो प्रीवियस को ही आगे लेके हम आए हैं और उसी को ही हमने डिस्कस किया है दैट्स इट फॉर टूडे होप सो यू क्लियरली अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्यूरी यू कैन आस्क मी थैंक यू वेरी मच फी एम मान दैट्स इट फॉर टूडे हाफिज़